तो जब मुझ पर गोली चलाई गई तो उन गालियों से पूछा गया तुमने क्यों चलाई, तो बोले मसउद्दीन ओवैसी को मार के मशहूर होना चाहता था। उनके घर वालों को पूछे थे, बोले उन्हें आता ही नहीं था, झंझटी था, मिलता ही नहीं था, यहां पर भी ऐसी है, हाँ आता ही नहीं था, देखो ऐसा है। और वो लोग भी बोले हम मशहूर होना चाहते थे। ये मशहूर होना नहीं है, ये एक बाबा ग्रुप है जिसको हम टेरर सेल कहते हैं। ये टेरर सेल है जिन्होंने गोली मारी उन दो लोगों को जिनको कोर्ट ने सजा भी दी थी, जो पुलिस की कस्टडी में थे। मारने वाले टेररिस्ट हैं और टेरर सेल का मॉड्यूल। और अगर कोई ये समझ रहा है कि ये सिर्फ ऐसा ही करे, नहीं, याद रखो और लोगों को मारेंगे, हो सकता फिर से कोशिश करेंगे मुझे मारने की, हो सकता कि फिर से कोशिश करे, मगर मुझे परवाह नहीं है। जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा आप और हम जिंदा रहेंगे। सिर्फ यही है कि जब तक अल्लाह जिंदा रखे अल्लाह की ईमान को सलामत रखे, अल्लाह राजी बनकर रखे और शहीदों की मौत से ताकि हशर के मैदान में अपनी मां को शर्मिंदा ना होने दो, अपने बाप को शर्मिंदा ना हो। मगर यहां पर देखो आप मशहूर होना चाहते थे। मेरे भाई एक महीने की ट्रेनिंग ली गई, 500 गोलियां चलाई गई और फिर तब जाकर इन्होंने वो ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब हम पूछना चाह रहे हैं बरसर इख्तदार जमात के हमारे मुल्क के प्रधान सेवक से, उत्तर प्रदेश के वजीर आला से, ये कैसा हुआ और उन पर यूएपीए क्यों नहीं लगा, उन पर यूएपीए क्यों नहीं लगा, इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। इनको हथियार किसने दिया, 8-8 लाख की वेपन किसने दिया? आप खुद कह रहे हैं ये तो सिंधी चोर जो बोलते हम लोग, इनके पास घर में इनके छत नहीं है, 8 लाख का वेपन कौन दिया बोलो, नहीं बोलेंगे। अच्छा फिर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से पूछ रहे हैं, आपको खत मिल गया होगा जिसमें एक मरने वाले ने लिख कर दिया कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को खत भिजा दूंगा, अगर मैं मर जाऊंगा तो कौन वो आदमी है जो मेरी मौत का सबक बना, आप बताओ। खत तो आपको पहुंच गया होगा, कौन लिया ये जान इन लोगों, कौन लिया इनकी जान बताओ। ये टेररिस्ट है याद रखो आप, ये रेडिकलाइज हो चुके हैं, ये गोडसे के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अरे हुकूमत करने वालों रोको इन लोगों को, याद रखो अगर तुम नहीं रोकोगे तो ये आग है, ये दीमक है, मुल्क को खोखला कर देंगे ये लोग। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।